अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमने दखनी तीतरों के लिए बनाई है VIP किस्म की जाली। इसको कलर भी कर दिया है क्योंकि ये घर के अंदर हमने रखने हैं। इधर बाकी कोई परिंदे नहीं है, इधर सिर्फ दखनी तीतर रखने हैं। अभी उनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है। पहले हमने छोटे केज में रखे हुए थे, पेयर हमारे पास था, तो अब हमने इस केज के अंदर लगाने हैं। ये वाला पेयर है, इस पेयर को हमने शिफ्ट करना है। अब इनका ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, इंशाल्लाह ये पेयर ब्रीड करेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तीतर तो बाहर निकल गया, अब ये तीतरी नहीं निकल रही। इसको और समझ नहीं आ रही किधर से जाने। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। इन दखनी तीतरों के लिए इस तरह के केज ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत बड़े ना हो तो फिर ठीक है, ये छोटे से केज हो इस तरह का, ये ब्रीडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इधर जगह बनाई है, इसके अंदर हमने बुरादा वगैरह से फेंक देना है, इस तरह फिर वो ब्रीड ज़्यादा अच्छी तरह आएगी इनकी। बड़ी VIP जगह बनी हुई है, ये ताज़ा मट्टी फेंकी है, मट्टी पे ये खेलते रहेंगे और बेहतरीन इंशाल्लाह इनकी ब्रीड आएगी। फिर ब्रीड आएगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब सिर्फ इनको सर्दी से बचाना है। अभी सर्दी ख़त्म तो होने वाली है, लेकिन फिर भी रात को ठंडी हवा होती है, और अगर ठंडी हवा लग जाए तो फिर ये बीमार हो जाते हैं तीतर। इनको बाहर भी वैसे तो हम निकालते थे, लेकिन ये जो तीतर है ना, ये शरारती है, ये कभी कभी भाग जाते हैं, फिर इसको पकड़ना पड़ता है, कभी किसी दूसरे घरों में चला जाता है। ये फीमेल तो ठीक है, ये चाहे बाहर होती हो तो ये गुम नहीं होती, ये इधर ही रहती है। बड़े खुश हो गए हैं इस केज के अंदर। ये तीतर तो हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन इधर एक जाला लगा हुआ था, एक नहीं दो तीन जाले हैं, वो हमारा ख्याल ही नहीं था यार पहले, उनको साफ़ करना है, ये तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। ये जो तीतर है ना, ये डर रहा है अभी, और वो निकालते हैं पहले। इधर पहले गत्ता लगाना है इस जगह पे, ताकि रात को अभी भी सर्दी होती है तो वो सर्दी ना लगे इनको। ये ताला लगाया हुआ है स्पेशल किस्म का, जो हाथ के साथ खुल जाता है, सिर्फ बच्चों से ये लगाया ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो ना। ये अभी ये जाले थोड़े से इसके साफ़ करते हैं। यार ये पहले ख्याल ही नहीं था जालों वाला, नीचे मिट्टी वगैरह सर फेंक दी थी हमने, जाले साफ ही नहीं किए थे। ये कुछ दिन खाली पड़ी रही है ना, फिर जाले बन गए हैं। इधर जाले कर दिए हैं साफ, अब ओके हो गई है भाई, अब ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब इधर गत्ता लगा देने हैं इसके ऊपर, फिर फिट हो जाना है काम। अच्छा ये दखनी तीतर है ना, इनमें के जो मेल है वो है ईरानी दखनी और फीमेल दूसरी है, दोनों का अलग अलग सीन होता है। ईरानी जो होते हैं वो थोड़े से सफ़ेद ज़्यादा होते हैं और हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। ये वाला मेल जो है ये ईरानी दखनी है, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इनका ये फ़ायदा होता है कि ये घर में ब्रीड करते हैं। अब ब्लैक तीतर जो है वो बहुत बहुत मुश्किल से ब्रीड करते हैं, अव्वल तो वो करते भी नहीं हैं घर में, लेकिन ये है कि ये ईजी करते हैं ये दखनी तीतर। और इनके भी बच्चे मुर्गों की तरह बहुत से आते हैं, पालना भी कोई नहीं मुश्किल होता है, इतना मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि पाल जाते हैं। हमें जिधर भी जगह मिलती है हम उधर परिंदे लगा ही देते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह मिलती है उधर अलग सेटअप लगा देते हैं, कोई ना कोई परिंदे उधर रख ही देते हैं। तो इधर ही इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।